गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास टू का क्वेश्चन पेपर हिंदी का समझाने जा रहा हूँ। दूसरी कक्षा के हिंदी का क्वेश्चन पेपर FA1 समझाने जा रहा हूँ। आप इसको समझ लेंगे कैसे कैसे आपको पेपर को करना है। आपका पूरा पेपर 20 मार्क्स का है। बच्चों, आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का है? आपका पूरा पेपर जो है 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का है। आपका टाइम है 2.5 आवर, ढाई घंटे। पूरा आपका समय है ढाई घंटे। इसमें से 20 नंबर में से आपका रिटेन लिखित आपका है 15 नंबर का, लिखित आपका है 15 नंबर का, और 5 नंबर आपको नीटनेस पर, 5 नंबर आपको आपकी सफाई पर दिए जाएंगे। ठीक है, रिटेन आपका 15 नंबर का है, 5 नंबर आपको सफाई पर दिए जाएंगे। इस प्रकार से कुल पेपर आपका जो है 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में से 15 नंबर आपका रिटेन पर, 5 नंबर आपका नीटनेस पर यानी कि सफाई पर आपको दिया जाएगा। छोटे बच्चे क्या करेंगे, हाथ में इरेजर और पेंसिल लेकर बैठ जाएंगे। आपको क्वेश्चन जो है पेपर में सॉल्व करना है। हाथ में इरेजर पेंसिल होना चाहिए ताकि एक बार बैठे तो दोबारा आपको उठना ना पड़े, बल्कि एक गिलास पानी भी लेकर बच्चे बैठेंगे। प्यास लगे तो वही पानी आप पी लीजिए। अच्छा, पेपर में आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ईमानदार रहना है, नकल नहीं करना है। आपको अपने आप पेपर को हल करने की कोशिश करनी है। आपको पेपर का आंसर अपने आप देना है, अपने मन से देना है। पेरेंट्स का हेल्प या कोई कोऑपरेशन आपको नहीं लेना है। अच्छा, टाइम आपका ढाई घंटे। इसमें से आपका रिटेन 50 मार्क्स का है, नीटनेस 5 नंबर का है। 5 नंबर सफाई पर मिलेगा। कट पिट करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ज़्यादा इरेजर का प्रयोग करेंगे आपका नंबर कट जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब आपका पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आपका सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। ये आपका 2 नंबर का है, कुल 4 प्रश्न है। ये आपका 2 मार्क्स का है। पहला दिया है, आसमान में किसकी बोली गूंजने लगती है? आसमान में किसकी बोली गूंजने लगती है क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 3 उत्तर हैं, बच्चों की, चिड़ियों की या बादलों की। आपके सामने 3 उत्तर है, बच्चों की, चिड़ियों की, बादलों की। किसी एक पर आपको टिक लगाना है। दूसरा, बैगन को कमाल की सब्जी किसने कहा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। बैगन को कमाल की सब्जी किसने कहा? इसका 3 उत्तर आपके सामने है। पहला, एक दरबारी ने, अकबर ने, तीसरा आपका है बिरबल ने। एक दरबारी ने कहा या अकबर ने कहा या बिरबल ने, इसमें से कोई एक आंसर आपका सही है, उसी पर आपको टिक लगाना है। पेंसिल से बच्चे टिक लगाएंगे। तीसरा, सूरज निकलने पर कैसा रंग बिखरता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सूरज निकलने पर कैसा रंग बिखरता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके सामने 3 उत्तर हैं, पहला पीला, दूसरा नीला, तीसरा लाल। पहला आपका है पीला, पहला आपका है पीला, दूसरा नीला और तीसरा आपका लाल। कोई एक आंसर आपका सही है। पीला, नीला, लाल, 3 में से कोई एक आंसर सही है। जो सही होगा उस पर आपको टिक लगा देना है। चौथा, अकबर को कौन सी सब्जी पसंद नहीं आई, प्रश्नवाचक चिन्ह। अकबर को कौन सी सब्जी पसंद नहीं आई? आपके 3 आंसर हैं, आलू की, गोभी की, बैगन की। आलू की, गोभी की, बैगन की। कोई एक उत्तर आपका सही है। जो सही उत्तर होगा उसी पर आपको टिक लगाना है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब आइए आप दूसरे पर जो है, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। आपको सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरना है। ये शब्द आपके बॉक्स में दिए गए हैं। बॉक्स में आपके सामने 4 शब्द हैं, शायद, अचानक, मुकुट, बादशाह। ये 4 शब्द आपके सामने हैं, शायद, अचानक, मुकुट, बादशाह। अब ये 4 शब्द हैं आपके सामने। अब आपका पेपर है, पहला क्या है, एक दिन स्थान खाली है, अकबर खाना खा रहा था।
एक दिन अकबर खाना खा रहा था, इन चारों में से कोई एक यहां पर आपको अपने से समझकर भरना है। स्थान खाली है, तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। आपके सामने चार शब्द हैं, कोई एक शब्द आप जो सही होगा, जो यहां भरा जाना चाहिए उसी शब्द को आप यहां पर लिखेंगे। तुम ठीक कहते हो, चारों में से कोई एक शब्द आपको यहां भरना है और एक शब्द आपको यहां भरना है। आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर शब्द को बॉक्स में से चुनेंगे बच्चों, और यहां पर आप भर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपका नेक्स्ट, इसके बाद आपका तीसरा है, स्थान खाली है, उसे पुरानी बात याद आ गई, उसे पुरानी बात याद आ गई। पीछे जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उस चार शब्द दिए गए हैं उसी में से एक शब्द चुनकर आपको यहां पर भर लेना है। चौथा, बैगन के ऊपर एक, बैगन के ऊपर एक बना होता है, बैगन के ऊपर एक, स्थान खाली है, बना होता है, कोई एक शब्द आप यहां पर, चार जो पीछे बॉक्स में दिए गए हैं उनमें से एक शब्द आपको यहां पर भर लेना है। तीसरा, मिलान कीजिए, यह आपका दो नंबर का है, नया, लाल, नील, मीठी, इधर शब्द दिए गए हैं, नया, लाल, नील, मीठी। अच्छा, इधर क्या है आपका, गगन, सवेरा, बोली, रंग, इधर आपका है गगन, सवेरा, बोली, रंग, आपको तीर से मिलाना है। नया को किससे मिलाया जाएगा, लाल को किससे मिलाया जाएगा, नील को किससे मिलाया जाएगा और मीठी को किससे मिलाया जाएगा, ये सब आपको पढ़ाया गया है। आपको एरो से, तीर से इसको मिला देना है। खूब बढ़िया ढंग से आप बैठेंगे और तीर से आप इसको मिला लेंगे। अब आपका चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, आपको इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखने हैं। शब्द क्या क्या है, गगन, सवेरा, मुकुट, चतुर, चार शब्द हैं, गगन, सवेरा, मुकुट, चतुर, ये चार शब्द हैं, इनका अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। गगन का मतलब क्या होता है, सवेरा का मतलब क्या होता है, मुकुट का अर्थ क्या होता है और चतुर का अर्थ क्या होता है। अब आइए आप पांचवें पर, उदाहरण देखो और एक को अनेक बनाओ। ये उदाहरण आपका दिया गया है, एक दिया गया है, आपको अनेक बनाना है। पहले आप समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, सब्जी, एक सब्जी है, बहुत सारी सब्जियों को क्या कहेंगे, सब्जियां, सब्जियां पर आपका चंद्रबिंदु लगा है, ख्याल करेंगे, सब्जियां यहां पर आपका चंद्रबिंदु लगा है। अच्छा, ये आपका उदाहरण रहा, ऐसे ही आपको बनाना है। यह रानी है, कहानी है, यहां पर रानी को, अनेक रानी को आपको लिखना है, क्या कहा जाएगा, कहानी है, एक कहानी है, एक से ज्यादा कहानी को क्या कहा जाएगा, रानी आपकी एक है, एक से ज्यादा रानी को क्या कहा जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ एक सब्जी है, एक से ज्यादा सब्जी को कहा जाएगा सब्जियां, वैसे आपकी रानी एक है, एक से ज्यादा रानी को क्या कहा जाएगा, एक से ज्यादा कहानी को क्या कहेंगे, वही आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छा, आपका छठवां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छठवां क्या है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न, पहली बार अकबर को बैगन की सब्जी कैसी लगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, पहली बार अकबर को बैगन की सब्जी कैसी लगी। यह स्थान छोड़ा गया है, इसी में आपको भरना है, इसी में आपको फिलअप करना है, इसी में आपको उत्तर देना है, ये लाइन खींची हुई है। प्रश्न दो, सूरज किस समय निकलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लाइन दिया गया है, इसी में आपको भरना है, सूरज किस समय निकलता है, ये प्रश्न है, उत्तर आपको नीचे लिखना है। ऊपर भी प्रश्न एक है, नीचे आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न को आप पढ़ेंगे, पहली बार अकबर को बैगन की सब्जी कैसी लगी, सूरज किस समय निकलता है। अच्छा, ये प्रश्न है, नीचे आपको उत्तर लिख देना है। याद रखेंगे दोबारा, सफाई पर आपको ध्यान देना है, सफाई पर आपको अलग से 5 नंबर मिलेंगे।
अगर राइटिंग गंदी होगी, कटपट करेंगे, राइटिंग अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको सफाई के जो 5 नंबर है उसमें से आपको नंबर घट सकते हैं। इसीलिए आपको सफाई पर विशेष ध्यान देना है। आपको इरेजर और पेंसिल लेकर बैठना है, शार्पनर भी लेकर बैठना है, और हैंड राइटिंग सफाई पर ध्यान देते हुए प्रश्नों को पढ़ पढ़ कर आप जो है भरेंगे। जैसे बताया गया है यहाँ प्रश्न है, ये प्रश्न दिए गए हैं, मिलान करना है आपको, पूरे पेपर को अपने आप हल करना है। आपको ईमानदार बनना है, बी ऑनेस्ट बनना है, आपको देश का एक अच्छा नागरिक बनना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, खुश रहें। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा माने, दैट्स ऑल।